देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं है, लेकिन IGMC अस्पताल सतर्क हो गया है और अस्पताल में अब दोबारा से ऑपरेशन से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कोरोना टेस्ट के अब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला अस्पताल प्रशासन ने लिया है। IGMC के MS डॉक्टर जनकराज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए और डॉक्टरों के सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। डॉक्टरों की पहले ही कमी है। यदि कोई डॉक्टर संक्रमित होता है तो 14 दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर ऑपरेशन से पहले मरीजों का कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे इस दिशा में कोई गाइडलाइन आती है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव होने की स्थिति में कम से कम 14 दिन तक हमारे पास जो स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव पड़ जाता है। पहले ही हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है, तो वैसी स्थिति में अगर कोविड पॉजिटिव होके या कोविड पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में होके लोगों को आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ता है तो वैसी स्थिति में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने का खतरा रहता है। इसलिए एहतियातन इस तरह के कदम जो है वो उठाए जाते हैं।